हेलो एवरीवन, तुहाडे सारयां दा स्वागत है जी तुहाडे अपने यूट्यूब चैनल इट्स जीके गुरु जी ते। दोस्तों अज दी वीडियो च आपां जीके दे कुछ अति महत्वपूर्ण प्रश्न कवर करांगे जिहड़े कि तुहाडे एग्जाम दे लई काफ़ी ज़्यादा हैल्पफुल साबित होणगे। हाँ जी फ्रेंड, इस तों इलावा असी वार्ड अटेंडर दे लई मैराथन क्लास, गैस पेपर रिविजन क्लास ते बाकी वीडियो भी अपलोड कीतियां होईयां ने। जिन्हां साथियों ने गैस पेपर ते मैराथन क्लास नहीं वेखी तां उसका लिंक तुहानूं इस वीडियो दे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उत्थों जाके तुसीं उह एग्जाम तो पहलां दो तीन बार जरूर वेखणियां ने। हाँ जी, स्टार्ट करते हैं अज की वीडियो नूं। फस्ट क्वेश्चन अपना दिता होया है, महात्मा गांधी ने चोरा चोरी कांड करके किहड़ा अंदोलन समाप्त कर दिता। हाँ जी, फस्ट क्वेश्चन ही अपना बहुत ज़्यादा इंपोर्टेंट है। चार ऑप्शन ने, फस्ट है जी चंपारण अंदोलन, सैकेंड ऑप्शन है सिविल ना फरमानी, थर्ड ऑप्शन है भारत छड़ो अंदोलन, तो फोर्थ है असहयोग अंदोलन। हाँ जी, महात्मा गांधी ने चोरा चोरी कांड करके किहड़ा अंदोलन समाप्त कर दिता सी, तां ओ सी जी असहयोग अंदोलन। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी अपना करैक्ट हो जाएगा। हुण आपां क्वेश्चन दे नाल रिलेटिड जानकारी भी कर लैने आ। हाँ जी, दिसंबर 1920 ये तुसीं याद रखना है, दिसंबर 1920 नूं किथे नागपुर कांग्रेस अधिवेशन च असहयोग अंदोलन की घोषणा की गई। इस अंदोलन च रचनात्मक कार्य जिमें कि शराब का बायकाट, छुआछूत का परहेज, स्वदेशी वस्तुओं का प्रयोग, खादी ते चरखे का प्रयोग, अहिंसा ते आदि ते जोर दिता गया। इस तों बाद 5 फरवरी 1922 ये भी तुसी डेट याद रखनी है, 5 फरवरी 1922 नूं की होया सी चोरा चोरी च हिंसा कारण यह अंदोलन वापस ले लिया गया। बारदोली प्रस्ताव राही इस अंदोलन नूं अग्गे कर दिता गया। इस अंदोलन दौरान महात्मा गांधी ने पहली बार स्वराज प्राप्ति का टीचा रख्या। ये पॉइंट तुसीं याद रखना है कि इस अंदोलन दौरान महात्मा गांधी ने पहली बार स्वराज प्राप्ति का टीचा रख्या। हाँ जी, ये भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष का पहला अंदोलन सी जिस विच हिंदू ते मुस्लिम जिहड़े लोग है उन्होंने रल के भाग लिता सी। हाँ जी, इन्नियां गल्लां तुसीं याद रखनिया ने। हुण चलदे आं नैक्सट क्वेश्चन वाल। हाँ जी, अपना नैक्सट क्वेश्चन आंदा है, गुजरात स्थित प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर किहड़े देवता नाल संबंधित है। चार ऑप्शन दिते हुए ने, फस्ट है जी सूरज देवता, सैकेंड ऑप्शन है भगवान शिव, थर्ड ऑप्शन है जी भगवान कृष्ण, तो फोर्थ है भगवान श्री राम। हाँ जी, आपां दसना है कि गुजरात स्थित प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर किहड़े देवता नाल संबंधित है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी अपना करैक्ट हो जाता है, भगवान शिव। हाँ जी, मुहम्मद गजनवी ने अपने 16वें भारतीय हमले दौरान कदों टाइम हैगा सी 10-25 ईस्वी विच इस मंदिर ते हमला किया। चलते हैं नैक्सट क्वेश्चन वाल। हाँ जी, अपना नैक्सट क्वेश्चन दिता हुआ है, विश्व महिला दिवस कदों मनाया जाता है। चार ऑप्शन ने, फस्ट है जी 8 अक्टूबर, सैकेंड ऑप्शन है 8 अप्रैल, थर्ड ऑप्शन दिता है 8 मार्च, तो फोर्थ है जी 8 फरवरी। हाँ जी, आपां दसना है विश्व महिला दिवस कदों मनाया जाता है, तो यह मनाया जाता जी 8 मार्च नूं। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी अपना करैक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नाल रिलेटिड पॉइंट भी आपां कर लैने आ। हाँ जी, जर्मनी विच 8 मार्च 1914 नूं औरतों वालों अपने हकों लई हड़ताल की गई सी। हाँ जी, ये दिवस पहला अलग अलग देशों में अलग अलग दिन मनाया जाता सी, बाद विच यूएनओ द्वारा 1977 तो 8 मार्च नूं हर साल ये महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है। नैक्सट क्वेश्चन वाल चलते हैं जी। अपना नैक्सट क्वेश्चन दिता हुआ है, भारत की सब तो लंबी सहायक नदी कौन है। चार ऑप्शन दिते हुए ने, फस्ट है जी गंगा, सैकेंड ऑप्शन है गोदावरी, थर्ड ऑप्शन है नर्मदा, तो फोर्थ है यमुना। जी, आपां दसना है कि भारत की सब तो लंबी सहायक नदी कौन है, तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी अपना करैक्ट हो जाता है, यमुना। हाँ जी, यमुना नदी यमुनोत्री नामक हिमनद जिहड़ा कि उत्तराखंड विच है इस तो निकलती है। इसकी कुल लंबाई 1385 किलोमीटर है। हाँ जी, कितनी हैगी है इसकी कुल लंबाई 1385 किलोमीटर। इलाहाबाद जिहड़ा कि उत्तर प्रदेश है चे ये गंगा नदी तो सरस्वती नाल मिल जाती है। ये पूर्व काल विच सरस्वती नदी की सहायक नदी के रूप में भी वहिंदी सी। सरस्वती नदी हुण अलोप हो चुकी है। चलते हैं नैक्सट क्वेश्चन वाल। अपना नैक्सट क्वेश्चन दिता हुआ जी, हिमालया, राकीज़, एंडीज़ ते एल्पस पर्वत लड़ियाँ विच की समानता है। ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा इंपोर्टेंट है जी। चार ऑप्शन दिते हुए ने, फस्ट है जी ब्लैक पर्वत हैं, सैकेंड ऑप्शन है
वलन पर्वत हैं, थर्ड ऑप्शन है एशिया महाद्वीप विच स्थित हैं, तो फोर्थ है इन्हों का जन्म ज्वालामुखी के फटन कारण होया है। जी आप दसना है हिमालय राकीज एंडीज और एल्पस पर्वत लड़िया विच की समानता है, तो की समानता है जी ए वलन पर्वत हैं। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी अपना करैक्ट हो जाता है। चलते हैं जी नैक्सट क्वेश्चन। हाँ जी चलते हैं नैक्सट क्वेश्चन वाल। क्वेश्चन नंबर सिक्स दिता हुआ है विद्यांचल से सतपुड़ा पर्वत श्रेणी विचकार वगण वाली नदी केड़ी है। हाँ जी ये क्वेश्चन भी इंपोर्टेंट है। चार ऑप्शन ने, फर्स्ट है नर्मदा, सैकेंड ऑप्शन है कावेरी, थर्ड ऑप्शन है जी महानदी, तो फोर्थ दिता है गोदावरी। हाँ जी इस क्वेश्चन का करैक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए नर्मदा। हाँ जी सतपुड़ा पर्वत श्रेणी की धूपगढ़ी, हाँ तुम्हें याद रखना है धूपगढ़ी सब तो उच्ची चोटी है। फिर तो रिपीट कर देना, सतपुड़ा पर्वत श्रेणी की धूपगढ़ी सब तो उच्ची चोटी है, तो ये भारत के मध्य विच है। दक्षण भारत के उत्तर भारत को अलग करने वाली विद्यांचल पर्वत लड़ी है, तो ये भारत के मध्य विच है, इन्हें तुम्हें याद रखना। हाँ जी अपना नैक्सट क्वेश्चन दिता है क्वेश्चन नंबर सत्त, भारत एशिया महाद्वीप की कौन दिशा विच है। चार ऑप्शन ने, फर्स्ट है जी दक्षण, सैकेंड ऑप्शन दिता है उत्तर पूर्व, थर्ड ऑप्शन है जी दक्षण पूर्व, तो फोर्थ है जी पूर्व। हाँ जी आप दसना है कि भारत एशिया महाद्वीप की कौन दिशा विच है। हाँ जी इस क्वेश्चन का अपना करैक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए दक्षण। हाँ जी भारतीय उपमहाद्वीप विच भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल ते भूटान देश शामिल हैं। फिर तो रिपीट कर देना, भारतीय उपमहाद्वीप विच भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल ते भूटान देश शामिल है। चलते हैं नैक्सट क्वेश्चन वाल। अपना नैक्सट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर अठ, प्रायद्वीपी भारत की सब तो उच्ची चोटी केड़ी है। चार ऑप्शन ने, फर्स्ट है जी केटू, सैकेंड ऑप्शन है नीलगिरी, थर्ड ऑप्शन है जी दोदा बेटा, तो फोर्थ है अनाई मुदी। हाँ जी आप दसना है प्रायद्वीपी भारत की सब तो उच्ची चोटी केड़ी हैगी है, तो वह है जी अनाई मुदी। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी अपना करैक्ट हो जाता है। हाँ जी दक्षणी भारत की सब तो उच्ची चोटी केड़ी हैगी जी अनाई मुदी, पछमी घाट से केरला विच स्थित है। इसकी ऊंचाई 2695 मीटर हैगी है, किन्नी हैगी जी 2695 मीटर। हाँ जी भारतीय प्रायद्वीपी पठार का शिखर कन्याकुमारी है, आ भी तुम्हें याद रखना है कि भारतीय प्रायद्वीपी पठार का शिखर कन्याकुमारी है। चलते हैं नैक्सट क्वेश्चन वाल। हाँ जी अपना नैक्सट क्वेश्चन दिता हुआ है, भारत का सब तो पुराना भू भाग है। चार ऑप्शन ने, फर्स्ट है जी दक्षणी पठार, सैकेंड ऑप्शन है मालवा पठार, थर्ड ऑप्शन है जी छोटा नागपुर पठार, तो फोर्थ है कोकण तट। हाँ जी इस क्वेश्चन का अपना करैक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए दक्षणी पठार। हाँ जी दक्षणी पठार भारत का सब तो पुराना भू भाग है। हाँ जी ये पछमी तो पूर्वी घाट विचकार स्थित है। इसकी गोदावरी, कृष्णा, कावेरी प्रमुख नदियां हैं। फिर तो रिपीट कर देना, इसकी गोदावरी, कृष्णा, कावेरी प्रमुख नदियां। हाँ जी चलते हैं आज की वीडियो के लास्ट क्वेश्चन वाल। अपना लास्ट क्वेश्चन दिता हुआ है, महात्मा गांधी ने पहला सत्याग्रह प्रयोग कित्थे किया सी। चार ऑप्शन दिए हुए हैं, फर्स्ट है दक्षिणी अफ्रीका, सैकेंड ऑप्शन है जी चंपारण, थर्ड ऑप्शन दिता है अहमदाबाद, तो फोर्थ है जी खेड़ा। हाँ जी महात्मा गांधी ने पहला सत्याग्रह प्रयोग दक्षिणी अफ्रीका विच किया सी। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर फर्स्ट अपना करैक्ट हो जाता है। हाँ जी ये प्रयोग रंग भेद नीति के विरुद्ध सी। भारत विच महात्मा गांधी का पहला अंदोलन केड़ा सी जी, चंपारण विद्रोह, जिहड़ा कि 1917 विच होया सी। नील की खेती करने वाले किसानों नाल संबंधित सी, ये एक किसानी अंदोलन सी। हाँ जी चंपारण अंदोलन की सफलता से रविंद्रनाथ टैगोर ने महात्मा गांधी नू महात्मा की उपाधि दी सी। इस तो बाद अहमदाबाद मील मजदूरों की हड़ताल 1918 दौरान महात्मा गांधी ने सब तो पहला भुख हड़ताल की सी। हाँ जी फ्रेंड आज की वीडियो इतें समाप्त करते हैं। जेकर तुहानू ये वीडियो चंगी लगी है तो वीडियो लाइक करो, तो ज़्यादा तो ज़्यादा अपने साथियों के नाल वीडियो शेयर करो। हाँ जी फ्रेंड जेकर तुसी साडे चैनल ते पहली बार विजिट किया, पहली बार साडी वीडियो वेख रहे हो, तो चैनल नू जरूर सबसक्राइब करो, तो नाल लगे बैल आइकन भी प्रेस करना, जिस दे नाल तुहानू साडी हरेक नवी वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम नाल मिलती रहेगी। हाँ जी मिलते हैं नैक्सट वीडियो चे, उदों तक दे लई टेक केयर।